वेलकम टू हरिकृष्ण बायोलॉजी। तो थंबनेल देखिए आपण माने जान जाइथिबे जे आज हम कोन पढ़िबा। तो जदि आपण को वीडियो टी भलो लागे ताले लाइक एवं शेयर करिवे, एवं जदि आपण नुआ हेथिबे ताले चैनल टी को आपण सब्सक्राइब करिया सहित लाइक एवं शेयर करिया पे शेयर करिवे। तो आज चलो देख पढ़िबा हमें रिप्रोडक्टिव साइकिल इन मामल्स। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल हेथाय मामल्स मान केस रे जेंति कि तमरो ओइस्ट्रस साइकिल आउ तुम मेन्स्ट्रुअल साइकिल एवं आउ गोटे टाइप साइकिल देख जोटा कि प्रायत मेल केस रे देखा जाए जोटा कि सीजनली से माने एक्साइटमेंट हुए फॉर पॉपुलेशन। तेणु सी जो रूट साइकिल, तो ये तीन टी साइकिल बाबद आज आम डिस्कस करवा। तो देखा आस रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन मामल्स। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन मामल्स जदि आम देखा तो दुई प्रकार साइकिल देखा जाए फीमेल केस रे जो मामल फीमेल थांती तो ओइस्ट्रस साइकिल आउ गोटे है मेन्स्ट्रुअल साइकिल। ओइस्ट्रस साइकिल बा सिंपली आम ईरु लिखि था ईस्ट्रस साइकिल बा ओइस्ट्रस साइकिल एवं मेन्स्ट्रुअल साइकिल जोटा कि तुम्हारा ह्यूमन मान केस रे देखा जाए ह्यूमन फीमेल केस रे एवं जोटा कि नॉन प्राइमेट एनिमल्स जो गुड़ाक प्राइमेट आउ यहाँ नॉर्मली तुम प्राइमेट केस रे देखा जाए एवं नॉन प्राइमेट केस रे देखा जाए। तो प्राइमेट आउ नॉन प्राइमेट कथा जदि आम कह नॉन प्राइमेट है तुम जी कि स्मॉल ब्रेन बियर करथबो माने जो ती सब एनिमल सब से माने जो आम डॉग को रेड को ये सब हेल्ले तुम ओइस्ट्रस साइकिल बा इवन अफ तुम काउ इत्यादि ये सब हेल्ले ओइस्ट्रस साइकिल। मेन्स्ट्रुअल साइकिल जोटा कि नॉर्मली तुम ह्यूमन केस रे देखा जाए ह्यूमन फीमेल केस रे दे आर प्राइमेट से मर ब्रेनटा सेरेब्रल हेमिस्फीयरटा मैंने लार्ज ही थाएं से केस प्रायत इंटेलीजेन्टा थाए नॉन प्राइमेट केस रे भी किसी एनिमल अच्छा जो मैंने कि इंटेलीजेन्स थाए बट प्राय केस रे तुम जो ओइस्टर साइकिल नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिज्म केस रे देखा जाए एनिमल केस रे देखा जाए एवं मेन्स्ट्रुअल साइकिल तुम तो ह्यूमन केस रे देखा जाए। रूट साइकिल जोटा कि आम डिस्कस करवा प्रायत किसी मेल जो केस रे थाए से नॉन प्राइमेट प्राइमेट कंडीशन रे भी किसी थाए बेसिकली तुम नॉन प्राइमेट कंडीशन मेल केस रे जो मैंने कि सीजनली से मैंने एक्टिवेट हुए फॉर मानने कौन कॉपुलेशन। तेणु ये रूट साइकिल बाबद डिस्कस करवा। तो प्रथम देखा आस ओइस्ट्रस साइकिल बाबद प्रथम डिस्कस करवा। ओइस्ट्रस साइकिल कौन को मान केस देखा जाए और को कौ फेज थ्रो ये कम्प्लीट हुए देखा आस। तो ओइस्ट्रस साइकिल बाबद जब आम कह साइक्लिक चेंजेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ नॉन प्राइमेट मामल्स। तो टे पूर्व कहली नॉन प्राइमेट मामल्स गुड़ाक तेणु जार मान कौन प्राइमेट प्राइमेट टी उल्टा हो बोले कि तुम जी तुम कौन स्मॉल ब्रेन रोथ छोट ब्रेन रोथ सेरेब्रलर हेमिस्फीयरटा एत डेवलप हो नाने जी कि तुम सीप गट डियर डग रेट माइस ये प्रायत सब नॉन प्राइमेट मामल्स। तेणु एमकर जो साइक्लिक चेंजेस देखा जाए जो फीमेल मान केस रे नॉन प्राइमेट मामल्स जो फीमेल मान केस रे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे जो साइक्लिक चेंजेस देखा जाए तो यू कौन कह जाए ये प्रकार साइकिल को कौन कहुए ना ओइस्ट्रस साइकिल बोल के कह जाए। तेणु ये ओइस्ट्रस साइकिल को आम जब देखा से जो रिप्रोडक्टिव सीजन बा ब्रीडिंग सीजन रर जो टाइम्स ऑफ साइकिल जदि आम देखा से अनुसार आम ओइस्ट्रस साइकिल को आम दुई भाग तीन भाग में विभक्त कर कौन ना गोटे मोनोइस्ट्रस डाइस्ट्रस आ गोटे पॉलीइस्ट्रस। मोनोइस्ट्रस कौन ना वन साइकिल इन ब्रीडिंग सीजन माने मैंने जो जो थरे ब्रीडिंग सीजन थरे मात्र साइकिल हेले माने ओइस्ट्रस साइकिल हेले आम कौन कह मोनोइस्ट्रस बोल के आम कह तेणु मोनोइस्ट्रस को मान केस रे प्रायत सीप केस रे गोट केस रे डियर केस रे इमान कंडीशन रे देखा जाए। तो डायोइस्ट्रस क्या आम कह ना जे मानकर ब्रीडिंग सीजन रे दुई थर साइकिल ओइस्ट्रस साइकिल होने कौन कह डायोइस्ट्रस बोली कही थो जमीक तुम डग केस रे डायोइस्ट्रस कंडीशन देखा जाए बा साइकिल देखा जाए। तापर पॉलीइस्ट्रस कौन ना जब दुई रु अधिका हम बा मेनी साइकिल जदि हम तले मेनी साइकिल इन ए ब्रीडिंग सीजन गोटे ब्रीडिंग सीजन रे माने बहुत थर साइकिल ओइस्ट्रस साइकिल है कौन कह पॉलीइस्ट्रस बोल के कहवा जमीक तुम रेट माइस एम कंडीशन रे देखा जाए। सब बड़ कथा है जमी तुम मेन्स्ट्रुअल साइकिल कौन होता है ना आफ्टर 28 डेज हरहारी जब आम देखिए 28 डेज कौन होता है ना ब्लड रिलीज होता है ब्लड म्यूकस इत्यादि ये सब रिलीज होता है से साइकिल एंड ऑफ द साइकिल
କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଏଇ କେସ୍ରେ ଓଷ୍ଟ୍ରୋ ସାଇକେଲ୍ କେସ୍ରେ କେବେ ବି ବ୍ଲଡ଼୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛି ବ୍ଲଡ଼୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଫ୍ଲୋ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସାଇକେଲ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆସ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକେଲ୍ଟା କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥାଏ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଫେଜ୍ରେ ଇଏ ମୁଭ୍ କରିଥାଏ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଫେଜ୍ରେ ଇଏ ଯାଏ ଏବଂ ଓଷ୍ଟ୍ରୋ ସାଇକେଲ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥାଏ। ଦେଖିବା ଆସ ଏଇ ଓଷ୍ଟ୍ରୋ ସାଇକେଲ୍ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ। ତ ଓଷ୍ଟ୍ରୋ ସାଇକେଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ତୁମର ପ୍ରୋ ଓଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଫେଜ୍, ଓଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଫେଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମେଟା ଓଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଫେଜ୍। ତ ପ୍ରୋ ଓଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରିପେରେଟୋରି ପିରିୟଡ଼୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରିପେରେଟୋରି ପିରିୟଡ଼୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଓଭ୍ୟୁଲେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ତା'ର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଯେଉଁଟା, ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଯଦି ଆମେ ସାଇନ୍ ଆକାରରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗୁଇନସ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେଉଁ ନନ୍ ପ୍ରାଇମେଟ୍ ଏନିମାଲ୍ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ବିଫୋର୍ ଓଭ୍ୟୁଲେସନ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼୍ ପ୍ରୋ ଓଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଫେଜ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାଉ ବା ପ୍ରିପେରେଟରୀ ପିରିୟଡ଼, ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗୁଇନିୟସ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କ'ଣ ନା ଓଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଫେଜ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମର ହିଟ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଏଇ ହିଟ୍ ପିରିୟଡ଼୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ଏଗ୍ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେ ଏଗ୍ଟା ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଓଭ୍ୟୁଲେସନ୍ ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମେଟିଂ ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେକ୍ସୁଆଲି ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଓଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଫେଜ୍ ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତୁମର ମେଟା ଓଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଫେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲ୍ୟୁଟିଆଲ୍ ଫେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏଇ ଲ୍ୟୁଟିଆଲ୍ ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୁଏ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତୁମର ଏଇ ଲ୍ୟୁଟିଆଲ୍ ଫେଜ୍ ପରେ ପରେ ତୁମର ଯଦି ଆଇଦର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଚାଲିବ। ବଟ୍ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କିଛି ମନୋ ଓଷ୍ଟ୍ରସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍ୟୁଡ଼ୋ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏକ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ନହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ମାମାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁଟେରସ୍, ଏସବୁର କିଛି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ସ୍ୟୁଡ଼ୋ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବୋଲିକି କହିଥାଉ ମେଟା ଓଷ୍ଟ୍ରସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବା ଲ୍ୟୁଟିଆଲ୍ ଫେଜ୍ରେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆନ୍ ଓଷ୍ଟ୍ରସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଯେଉଁ ମନେକର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ୍ ଓଷ୍ଟ୍ରସ୍ ସାଇକେଲ୍, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ୍ ହେବ ମନେକର, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଗେପ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଗେପ୍ ମାନେ ରେଷ୍ଟିଂ ପିରିୟଡ଼୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିବା, ତେଣୁ ରେଷ୍ଟିଂ ପିରିୟଡ଼୍ ବିଟୁଇନ୍ ଟୁ ସକ୍ସେସିଭ୍ ଓଷ୍ଟ୍ରସ୍ ସାଇକେଲ୍, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଆନ୍ ଓଷ୍ଟ୍ରସ୍ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋ ଓଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଫେଜ୍, ଓଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଫେଜ୍, ଦେନ୍ ମେଟା ଓଷ୍ଟ୍ରସ୍ ଫେଜ୍। ତାପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ ଯିଏ ଥିବ ତ ଏଇ ଫେଜେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯଦି କପୁଲେସନ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ହେଲା ଏବଂ ବେବି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲା, ବଟ୍ ଯଦି କପୁଲେସନ୍ ନହେଲା ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ସେମିତି ମେନ୍ସଟ୍ରନ୍ ସାଇକେଲ୍ ଭଳି କିଛି ବ୍ଲଡ଼୍ ଫ୍ଲୋ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅବଜର୍ଭ ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ। ତ ଇଏ ଗଲା ତୁମର ଓଷ୍ଟ୍ରସ୍ ସାଇକେଲ୍ ବାବଦରେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ୍ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ରୁଟିଂ ସାଇକେଲ୍ ବାବଦରେ, ସେଇ ସାଇକେଲ୍ ବାବଦରେ କମ୍ ବେଶୀ ଜାଣିବା ଆସ। ତ ରୁଟ୍ ସାଇକେଲ୍ ବାବଦରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ କିଛି ମାମାଲ ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ କିଛିଟା ଟେଷ୍ଟିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଜିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ରୁଟିଂ ସିଜିନ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ରୁଟିଂ ସିଜିନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଜିନ୍ରେ, ଯେଉଁ ଇୟର୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟାରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଜିନ୍ରେ। ଏବଂ ଏଇଟା କେମିତି କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଫିମେଲ୍ର ହିଟ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଥାଏ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ଫିମେଲ୍ର ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିମେଲ୍ ସ୍ପେସିସ୍ର ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଥାଏ ତାକୁ କରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିକି ତୁମର ମେଲ୍ କେସ୍ରେ ଏଇ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟଟା ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାଇକେଲ୍ଟାକୁ ଯେହେତୁ ଟେଷ୍ଟିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମେଲ୍ କେସ୍ରେ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାଇକେଲ୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରୁଟ୍ ସାଇକେଲ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ରୁଟିଂ ସିଜିନ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆସ ତୁମର ମେନ୍ସଟ୍ରନ୍ ସାଇକେଲ୍। ତ ମେନ୍ସଟ୍ରନ୍ ସାଇକେଲ୍ ବାବଦରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମେନ୍ସଟ୍ରନ୍ ସାଇକେଲ୍, ତା'ମାନେ ମେନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମେନ୍ ମିନ୍ସ ମନ୍ଥ, ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମେନେସିସ୍ ମିନ୍ସ ବି ମନ୍ଥ। ତେଣୁ ଏଇ ମେନ୍ସଟ୍ରନ୍ ସାଇକେଲ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଟ୍ ଦ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କାହାର ନା ବ୍ଲଡ଼୍, ମିକସ୍, ଟିସୁ ଡେବ୍ରିସ୍, ଅନ୍ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ଓଭମ୍। କାହିଁକିନା ମେନ୍ସଟ୍ରନ୍ ସାଇକେଲ୍ଟା ତୁମର ଯଦି ଫିମେଲ୍ ଓଭମ୍ଟା ଯଦି ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମେନ୍ସଟ୍ରନ୍ ସାଇକେଲ୍ ହୁଏ।
जदि फर्टिलाइजेशन होगा तो के मेन्स्ट्रुएशन साइकिल हम ना आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड आफ्टर किसी मंथ पर मेन्स्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हम कि जदि अनफर्टिलाइज होने ओवम जदि अनफर्टिलाइज रहे आफ्टर 28 डेज जदि हर हर धरवा तो सही कंडीशन मेन्स्ट्रुएशन साइकिल होता है तेणु अनफर्टिलाइज ओवम प्रोस्टाग्लैंडिन्स फाइब्रिनोलाइसिन एवं सर्टेन अदर सब्सटेंसेस तुम यूटेरस रु ही रिलीज होता है और जो कि आवरेज इंटरवल जदि आम देखा 28 डेज रे ये कौन होता है प्रति 28 डेज रे मेन्स्ट्रुएशन साइकिल देखा दे था जदि आम एग्जांपल देखा तुम ह्यूमन केस रे मंकी केस रे एप्स केस रे कंडीशन रे मेन्स्ट्रुएशन साइकिल देखा जाए तेणु जीत आम ये ह्यूमन बाबद बेसिकली मैंने कहचे तेणु ह्यूमन फीमेल केस रे जो तुम जो आरंभ हुए मेन्स्ट्रुएशन साइकिल जो फास्ट स्टार्टिंग हुए जोटा कि पाखापाखि आम हाराहारी एज जब धरवा आवरेज एज जब धरवा 12-13 इयर्स भितर मैंने इयर्रे तुम स्टार्ट होता है और ये जो स्टार्टिंग जो तुम मेन्स्ट्रुएशन साइकिल जो स्टार्टिंगटा को कौन कहुए ना मेन आर्क कहुए आर्क मीनस बिगिनिंग जोटा कि ग्रीक भाषा आम आर्क मीनस बिगिनिंग आम कह मसर प्रथम ये जो मेन्स्ट्रुएशन साइकिल तेणु ताको कौन कहुए ना मेनार्क कहुए जोटा कि तुम प्यूबर्टी जो आरंभ हुए तो मैंने सेक्सुआल मेच्युरिटी जो हुए पाखापाखि गर्ल्स केस 12-13 इयर्स ये स्टार्ट होता है जो बड़े ये मेन्स्ट्रुएशन साइकिल ऑफ हुए आम कहे रिप्रोडक्टिव इनएक्टिवनेस होभम या तो सीटा जो बंद हो तुम मेन्स्ट्रुएशन साइकिल ऑफ हो बोलिक आम कह तेणु मेनोपॉज मेन पोज बोलिक आम कहीपर तेने मसर शेष ये पोज मैंने स्टप हो बंद हो तेणु ये पाखापाखि आवरेज जब आम फीमेल केस रे देखा प्राय किसी केस 45 पाखापाखि एवरेज बा एवरेज एज जब आम धरवा 50 इयर्स एज रे ये कौन होता है ना स्टप होता है तेणु बर्तमान देखा से मेन्स्ट्रुएशन साइकिल कौ फेज रे ये जाए कौ फेज जो मेन्स्ट्रुएशन साइकिल रे जो चेंजेस होता है प्रति स्टेप रे बा प्रति फेज रे कौन सब चेंजेस हुए देखा सो मेन्स्ट्रुएशन साइकिल रे तो मेन्स्ट्रुएशन साइकिल रो फेज गुड़ा जब आम देखा तो मेन्स्ट्रुएशन मेन्स्ट्रुअल फेज बाहर प्रथम फेज जब आम देख मेन्स्ट्रुएशन फेज बा डिस्ट्रक्टिव फेज बोल कहूँ जोटा कि ब्लीडिंग फेज जोटा कि मानने ब्लीडिंग रो स्टार्टिंग डे रु जब आम कह पाखापाखि 5 डेज ता माने 4-6 डेज जदि आम धरवा किसी केस 4 डेज रे बम माने ब्लीडिंगटा बंद हो जाए किसी केस 5 डेज रे बंद हो जाए किसी केस 6 डेज रे माने जदि हाईएस्ट डे देखिए 6 डेज जाए आ बेस जीवना तेणु 4-6 डेज रे कौन हुए ना ब्लीडिंग फेजटा कम्प्लीट हो जाए तापर ब्लीडिंग फेज पर जो पोस्ट मेन्स्ट्रुएशन फेज बा जहाँ आम कहे प्री ओव्यूलेटरी फेज तमें ओव्यूलेशन हबार जो पूर्व फेज बा फॉलिकुलर जो फेज बा फॉलिकल जो ग्राफियन फॉलिकल रो जो चेंजेस फॉर ओव्यूलेशन हवापे जो फॉलिकुलर फेज बा प्रोलिफरेट फेज बोले कि ताको कहा जाए जोटा कि तुम पाखापाखि से 6-14 दिन जब आम धर मैंने 6-14 डेज मानने जोटा कि लग जाए तो मैंने ये जो 4 मानने जब आम मसर जब 1 तारीख धरवा आम फर्स्ट डे धरवा तेल जोटा कि मानकर 5 डेज गला 6 डेज गला से 6-6 पाखर आम धरिया के दिन ना 14 दिन जोटा कि 14 तारीख जाए तो सहीटा तुम पोस्ट मेन्स्ट्रुएशन फेज बा प्री ओव्यूलेटरी फेज बोल के बा फॉलिकुलर फेज बोल के कह बर्तमान यहाँ 1-5 तारीख जाए गलापर तुम 5 मन कर आम धरले 12-14 तारीख जाए 13-15 तारीख जाए तो सहीटा तुम कौन ना ओव्यूलेशन जो सरी ये तुम मन कर 12-13 दिन गला सी जो 13 दिन पर मैंने 1-13 दिन गला 13-14-15 12-13-14-15 जब आम धरवा तो सही फेज रे कौन हुए ना ओव्यूलेटरी फेज तमें ओव्यूल से ओवम जो रिलीज होता है ओवम रिलीज होगा जब फर्टिलाइज है तो तुम जो ग्राफियन फॉलिकल जो कॉर्पस ल्यूटियम को कन्वर्ट हो जाए जब फर्टिलाइज ना तो कॉर्पस ल्यूटियमटा कॉर्पस अल्बिकांस कन्वर्ट हो जाए तो सी तो आम देखि जो तुम वीडियो नेक्स्ट आम जो वीडियो देखि गैमेटोजेनेसिस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाबद ओव्यूलेटरी फेज पर आसला कि ना प्री मेन्स्ट्रुएशन फेज
बा ल्यूटियल फेज ता माने आफ्टर ओव्यूलेशन बा तमरो बिफोर माने मेंस्ट्रुअल साइकिल बा स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल तब सेटा को हम कोन कहबे ना पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज बा प्री मेंस्ट्रुअल फेज बा ल्यूटियल फेज बोली कहा जाए जोड़े कि तमरो 15 रु 28 जे तो 28 रे ही तमरो कोन हुए ना ब्लीडिंग स्टार्ट हेते तो ये जो मेंस्ट्रुअल फेज बा डिस्ट्रक्टिव फेज बा ब्लीडिंग फेज रे कौन है था देखिबा से स्टेप बाय स्टेप ये जो फेज गुड़ा को बाबदरे हमें टिके टिके जानिबा। प्रथम फेज बाबदरे जदि हमें कहबा जो मेंस्ट्रुअल फेज बा डिस्ट्रक्टिव फेज बा ब्लीडिंग फेज रे कौन हुए ना इटा हो तुम्हारा कौन अनफर्टिलाइज एग रो प्रथम फेज रे कौन हुए ना शुद्धिक्रिया बोल के हमें कह फनेरल ऑफ अनफर्टिलाइज एग बोल के हमें कहवा ता छड़ा आ कौन हुए ना जो हार्मोनल सपोर्ट थाए जी कि तुम प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जो सपोर्ट दे थाए तो से गुड़ाक कण है ना विथड्रॉ करने से सब सपोर्टा विथड्रॉ हो जाए तो मैंने से एक्टिविटी एतटा रहे ना तापर कौन हुए ना जो से जो एंडोमेट्रियम टीस्यू सब थाए से एंडोमेट्रियम टीस्यूर कण है ना डेथ होता है पाखापाखि जो सेल थाए से सब डेथ होता है जहाँ को नेक्रोसिस एवं तुम्हारो जो म्यूकस जो लाइनिंग थाए फेलोपियन ट्यूब हेजिना ये मैंने ग्रेजुअली कौन हुए ना थीन होता है जोटा कि तुम ब्लड म्यूकस ये सब कौन होता है ना मैंने बाहर था ये फेज रे बेसिकली तुम एंडोमेट्रियम टिश्यूटा बेसिकली मैंने कौन होता है नष्ट होता है तुम जो टू थर्ड पार्ट जदि आम देखा वेजिनाल जो यूटेरस वाला जो एंडोमेट्रियम टिश्यू थाए जो ब्लड फ्लो होता है तेणु से सब सेल गुड़ाक नष्ट मैंने कौन हुए सब जो लोकल टिश्यू गुड़ाक मैंने धीरे धीरे नष्ट होगा द्वारा से ब्लड भी ता सहित किसी आसता है तेणु ये केस प्रोस्टाग्लैंडिन ट्रिगर करता है तेणु से फेजटे किसी केस जो फास्ट फास्ट जो स्टार्टिंग हुए मेंस्ट्रुअल फेज तो यही फेज्रे हिं कौन हुए ना से कारण जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो तुम पेन होता है कंडीशन फेज्रे ब्लीडिंग फेज्रे नेक्स्ट फेज देखा आस प्री ओव्यूलेटरी फेज तो प्री ओव्यूलेटरी फेज्टा तुम आफ्टर ब्लीडिंग फेज पर प्री ओव्यूलेटरी फेज आरंभ है आम कौन कही था पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज बोली फॉलिकुलर फेज बोल कि प्रोलिफेरेटिव फेज बोल कि तेणु ये प्रोलिफेरेटिव फेजटा केत चले ना जो डे वन रु फाइव आम ने मन कर ब्लीडिंग फेज तापर तुम से छु तेर दिन पर्यटन चले तो ये छु तेर दिन भितर कौन कौन सब प्रोसेस होता है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो ओवरी भितर तुम सब ग्राफियन फॉलिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ईस्ट्रोजन लेवलटा ग्राजुआली बढ़े जोटा कि तुम 12 दिन दिन अधिका मैक्सिमम होता है एंडोमेट्रियम टिश्यू जो थाए सी जो कहीं ब्लीडिंग फेज्रे सब धीरे धीरे नष्ट हो जाता तेणु से गुड़ाक कौन हुए ना ग्राजुआली प्रोलिफरेट होता है सेल गुड़ाक प्रोलिफरेट हो ग्राजुआली थिक हुए ता सहित तुम फेलोपियन ट्यूबटार जो लाइनिंग जो थीन हो जाता तुम जो ब्लीडिंग फेज्रे सब ग्राजुआली कौन हुए ना थिक हुए और ए जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएस हार्मोन बोल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डे 12 दिन और 13 दिन तुम लेवलटा ग्राजुअली मैक्सिमम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन करे ना तुम जो ग्राफियन फॉलिकल जो ओवम थाए कौन करे ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेबारे साहय करे स्टिमुलेटेड करे थाए तुम जो ग्लाइकोप्रोटीन्स रही था जो सर्विकल म्यूकोसा जो सर्विकल रीजन जो रही था ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन करे ना फ्रीली पैसेज करता है मैंने जो स्पर्म जो मन कर आसला सी कौन करे ना इजिली पैसेज करता है फॉर फर्टिलाइजेशन जोटा कि तुम प्री ओव्यूलेटरी फेज्रे मैंने ब्लीडिंग फेज्रे जहाँ सब मानने नष्ट हो जाब ग्राजुआली कौन हम ना येज्रे रिपेयर हे तो वन्स रिपेयर होगापर आरंभ हुए कौन ना ओव्यूलेशन होता है तेणु ये ओव्यूलेटरी फेज नेक्स्ट फेज जब आम देखा ओव्यूलेटरी फेज देखिए सब ओव्यूलेटरी फेज्रे कौन सब होता है तेणु ओव्यूलेटरी फेज्टा तुम 14th डेज तो मैंने जब आम धरवा 13, 14, 15 तो यही डेज्रे हिं तो मैंने किसी केस्रे 13 दिन दिन रिलीज होता है प्राय हाराहारि जब आम धरवा आवरेज धरवा 14th डे दिन तो एक रिलीज है ओव्यूलेशन है तो मैंने जो रिलीज ऑफ एक्टा को आम कौन कही ना ओव्यूलेशन कही था बट ये मन रखी एक तैयारी हवा प्रक्रिया को ओजेनेसिस कहुए बट एक रिलीज हवा प्रक्रिया को ओव्यूलेशन बोलिक कहा जाए तेणु जो एक रिलीज है सी भायबल रहे तो मैंने बंचिक रहे जीवंत अवस्था रहे केते दिन
ନାଇଁ 3 ଦିନ ବା 72 ଘଣ୍ଟା ସେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥାଏ। ଏହାରି ଭିତରେ ଯଦି ସ୍ପର୍ମ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ହେଲା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନ। ତ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ସେ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ଓଭିଲେଟୋରୀ ଫେଜ୍ ପରେ ତୁମର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କ'ଣ ନା ପୋଷ୍ଟ ଓଭିଲେଟୋରୀ ଫେଜ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଓଭିଲେସନ୍ ପରେ ତା'ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗର ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ମେନ୍ସୁରାନ୍ ସାଇକେଲ ରହିଲା, ତା'ମାନେ ସେ ଯେଉଁ 13, 14, 15 ଏଇ 3ଟା ଦିନ ବା 12, 13, 14 ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଇ 3ରୁ 4ଟା ଦିନ ଏଇ 4ଟା ଦିନ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିବା। ବା ଯଦି ବେବି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଡେଜ୍ଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଡେଜ୍, ତା'ମାନେ ଏଇ ଡେରେ ହିଁ ଏଗ୍ ଭାୟାବୁଲ୍ ରୁହେ, ଏଗ୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ଏବଂ ଏଇ ଡେଟା ହିଁ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଫର୍ କପୁଲେସନ୍ ଫର୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍, ଏଗ୍ ଆଉ ସ୍ପର୍ମର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଡେ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବା ଏହା ପରେ ଡେଜ୍ର କେବେ ବି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନଥାଏ। ତେଣୁ ରେୟାର୍ କେସ୍ରେ ମେ ବି କିଛି ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଚାନ୍ସ ଫର୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଭିଲେଟୋରୀ ଫେଜ୍ରେ ହିଁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବେବି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ବେବି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏଇ ଡେଜ୍ରେ ହିଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କପୁଲେସନ୍ କଲେ ହିଁ ଏଇ ଡେଜ୍ରେ ହିଁ ତୁମର ବେବି ମାନେ ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ବା ଜାଇଗୋଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଏବଂ ସେ ବେବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇପାରିବ। ତା'ପରେ ଓଭିଲେଟୋରୀ ଫେଜ୍ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା ତୁମର ପୋଷ୍ଟ ଓଭିଲେଟୋରୀ ଫେଜ୍, ତ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଓଭିଲେଟୋରୀ ଯଦି ମନେକର ଏଗ୍ଟା ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ହେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି ଆମେ ଯିବ କ'ଣ ନା ପୋଷ୍ଟ ଓଭିଲେଟୋରୀ ଫେଜ୍। ତ ଏଇଟା ତୁମର ଆଫ୍ଟର ଏଗ୍ର ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଭିତରେ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମରିଗଲା, ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ'ଣ ନା ପୋଷ୍ଟ ଓଭିଲେଟୋରୀ ଫେଜ୍। ତ ଏଇ ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍ପର୍ମ ଆଉ ରିସିଭ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଇ ଫେଜ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା 15ରୁ 28 ଡେଜ୍, ତା'ମାନେ 28 ଡେରେ ତୁମର ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ସାଇକେଲଟା। ତା'ପରେ ଏଇଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା କର୍ପସ୍ ଲ୍ୟୁଟିୟମ୍ କ'ଣ କରେ ନା ସିକ୍ରେଟ୍ କରେ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରନ୍, ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ସବୁ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସିକ୍ରେସନ୍ ହେବ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରନ୍, ଯିଏକି ଇନହିବିଟ୍ କରିବ କ'ଣ ନା ଫର୍ଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ୟୁଟେରସ୍ ଭିତରେ ତୁମର ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ସେସବୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି କ'ଣ କରିବ ନା ଫର୍ଦର ଇନହିବିଟ୍ କରାଇବ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରନ୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଯେ ତୁମର କିଏ ଓଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ କରିଥାଏ, ତୁମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫିନ୍ ଫଲିକିଲ୍ର ଥିକା ଏକ୍ସଟର୍ନା ଆଉ ଥିକା ଇଣ୍ଟର୍ନା ଥାଏ, ଥିକା ଇଣ୍ଟର୍ନା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ନହେଲା ତୁମର ଯେଉଁ ଏଗ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ତୁମର ଗ୍ରାଫିନ୍ ଫଲିକିଲ୍ଟା କର୍ପସ୍ ଲ୍ୟୁଟିୟମ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେ କର୍ପସ୍ ଲ୍ୟୁଟିୟମ୍ଟା 28 ଦିନରେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ନା ଡିଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଡିଜେନେରେଟ୍ ହୋଇକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରେ, ଯାହାକୁ କର୍ପସ୍ ଆଲ୍ବିଗାନ୍ସ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ନ ହୁଏ। ଯଦି ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ୟେଲୋ କଲର୍ ରହିଥାଏ ଇଏ କର୍ପସ୍ ଲ୍ୟୁଟିୟମ୍ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ ଫେଜ୍ ବାବଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମେନ୍ସୁରାନ୍ ସାଇକେଲର ଫେଜ୍ ବାବଦରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେ ମେନ୍ସୁରାନ୍ ସାଇକେଲ ଯେଉଁ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ହୋଇଥାଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହର୍ମୋନ୍ ଥ୍ରୋରେ, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଡିଫରେଣ୍ଟ ହର୍ମୋନ୍ ବାବଦରେ ଯଦି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଯିଏକି ମେନ୍ସୁରାନ୍ ସାଇକେଲର ପ୍ରସେସ୍କୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରେ, ସେ ହେଲା ଫଲିକଲ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ବା FSH ହର୍ମୋନ୍, ଲ୍ୟୁଟିନାଇଜିଂ ହର୍ମୋନ୍ ବା LH ହର୍ମୋନ୍, ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍, ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇନହିବିନ୍। ତ ଏଇ ମେନ୍ସୁରାନ୍ ସାଇକେଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ FS ବା ଫଲିକଲ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ହର୍ମୋନ୍, ଯିଏକି ତୁମର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ ତୁମର ଆଣ୍ଟେରିୟର୍ ପିଟୁଇଟାରୀରୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯିଏ କ'ଣ କରେ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଗ୍ରାଫିଆନ୍ ଫଲିକଲ୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏବଂ ମେଚ୍ୟୁର୍ ଗ୍ରାଫିଆନ୍ ଫଲିକଲ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଏଗ୍ ରିଲିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ଏଗ୍କୁ ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଲ୍ୟୁଟିନାଇଜିଂ ହର୍ମୋନ୍ ଯିଏକି ତୁମର ଆଣ୍ଟେରିୟର୍ ପିଟୁଇଟାରୀରୁ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଇଏ ତୁମର ଯେଉଁ ଏଗ୍ ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ 14th ଡେ ଦିନ ତାକୁ ଓଭ୍ୟୁଲେସନ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରନ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯିଏକି ତୁମର ସିକ୍ରେଟେଡ୍ ହୋଇଥାଏ କର୍ପସ୍ ଲ୍ୟୁଟିୟମ୍ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଇଏ ଇନହିବିଟ୍ କରେ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ FS ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଣ୍ଟେରିୟର୍ ପିଟୁଇଟାରୀ ତାକୁ ଇନହିବିଟ୍ କରେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ତୁମର ଯେଉଁ ଫଲିକୁଲାର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଫଲିକୁଲାର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଯେଉଁ ହୁଏ ତାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଥାଏ ବା ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଇନହିବିଟ୍ କରିଥାଏ। ତା'ପରେ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ ଟିସୁ, ଯେଉଁ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ଫେଜ୍ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ ଟିସୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ପ୍ରୋଲିଫରେଟ୍ କରାଇବାରେ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଇନହିବିନ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା,
जी माने थीका इंटरनल रिलीज होता है ओवेरियन ग्राफ जो फॉलिकल सीटू ही तुम थीका इंटरनल रिलीज होता है एवं ये कौन करता है ना जो कॉर्पस ल्यूटियम रो सिक्रेटेड होता है थीका इंटरनल रो एवं ये थीका इंटरनल कौन सी तुम सॉरी इस्ट्रोजेन जो जी कि तुम एंडोमेट्रियम टिश्यू पॉलीफ्रेट करिवारे साहय करते एवं इनहिबिन जी कि सिक्रेटेड होता है बाय कॉर्पस ल्यूटियम एवं ये इनहिबिट करे तुम जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट कर एंटी पिट्यूटरी सिक्रेट करिवारे को इनहिबिट करते तेणु ये है तुम डिफरेंट हार्मोन व्हिच रेगुलेट्स बट दोज आर रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक you share with your friends, and thank you for watching.